मोहसिन और आप देख रहे हैं सीमिन मोहसिन। दोस्तों सीमिन क्या होता है, सी फेरर क्या होता है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे, हल्का सा डिस्कस करेंगे। जैसे हमें पता है एक फैक्ट्री होती है जो आपके इलाके में मौजूद कंपनी फैक्ट्री है, उसके अंदर बहुत सारे वर्कर काम करते हैं। कोई इंजन पे काम करता है, कोई रंग का काम करता है, कोई इलेक्ट्रिशियन का काम करता है, मेंटेनेंस के वर्कर होते हैं, मैनेजर होते हैं, स्टाफ होता है, क्वालिटी वाले होते हैं, हर किस्म का स्टाफ, हर किस्म का बंदा वहां पर काम कर रहा होता है एक कंपनी में। इसी तरह से जो समुद्री जहाज होते हैं जो तिजारत का काम करते हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क सामान लेकर जाते हैं, उन बड़े बड़े जहाजों को चलाने के लिए बहुत बड़े बड़े इंजन लगे होते हैं, टेक्निकल सिस्टम लगे होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम लगे होते हैं, जनरेटर पैनल हर चीज लगे होते हैं उसके अंदर। उन सब चीजों को चलाने के लिए हर फील्ड का बंदा रिक्वायर्ड होता है, हर फील्ड का वर्कर रिक्वायर्ड होता है। मैनेजर मैनेजमेंट से लेकर टेक्निकल बंदा, इंजन रूम में काम करने वाला, इलेक्ट्रिकल का, मेंटेनेंस का, हर फील्ड का बंदा मौजूद होता है उस जहाज में। तो ऐसे समुद्री जहाजों में काम करने वालों को हम सीमेन या सी फेरर कहते हैं। अब आप भी अगर आपके पास मैट्रिक है कम से कम, या आप चाहे इंजीनियर बन चुके हैं, बीई पीसी से कर चुके हैं आप, तो भी आप उस जहाजों पर काम कर सकते हैं। लेकिन आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट से बनवाने पड़ते हैं, इतना मुश्किल नहीं है लेकिन इतना आसान भी नहीं है। आप वो डॉक्यूमेंट बनवा कर समुद्री जहाजों पर काम कर सकते हैं ईजिली। दोस्तों वो डॉक्यूमेंट किस तरह बनेंगे, मैं ऑलरेडी इसकी वीडियो बना चुका हूँ, आप वो वीडियो लाजमी देखें, आपको पता चल जाएगा आप अपनी सीमेंट सर्विस बुक किस तरह बनाएंगे, आप अपना एसआईडी कार्ड किस तरह बनाएंगे। बहुत आसान तरीका है, आप वो लाजमी देखें, अपने डॉक्यूमेंट बनाएं, आप भी सीमेंट बने। अल्लाह हाफिज़।